गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स बीटीएच पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल। पार्ट टू यह पॉलिनोमियल का आपको वीडियो नंबर टू होगा। इसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो क्या होते हैं आपको आपसे पूछते हैं कि ग्राफ दिखा के बोलते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज बता दो। तो पावर से तो आपने जीरोज निकालना सीख लिया था कि अगर पावर फोर होगा तो नंबर ऑफ जीरोज थ्री फोर होंगे, अगर पावर थ्री होगा तो नंबर ऑफ जीरोज थ्री होंगे। लेकिन ग्राफ देख के कैसे निकालेंगे इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज है, तो उसके लिए यह वीडियो आपको बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ग्राफ देख के हम लोग कैसे नंबर ऑफ जीरोज डिसाइड कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी बुक का, उसको भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हम बात करते हैं ग्राफ्स की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग मान लो बात कर रहे हैं कि एक ग्राफ आपको दिया गया लाइन ग्राफ, हम जानते हैं दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं एक्स एक्स डैश और वर्टिकल एक्सिस को हम बोलते हैं वाई वाई डैश। एक ग्राफ है मान लो किसी पॉलिनोमियल पी एक्स का, तो आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इसका। उसके बाद अगर हम दो पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दो पे एग्जांपल दूसरा लेते हैं, अगर मान लो एक और ग्राफ आपको दिया गया सेम है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और इस तरह से कुछ ग्राफ दिया होगा एक्स एक्स दैट मीन्स इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। थर्ड एक और क्वेश्चन आपको देखा जाए इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज कितने, इसको लेके जो है स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज हैं, उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया और आशा करेंगे कि यह वीडियो आपके कंफ्यूजन को जरूर दूर करेगा। अब इसे यानी देखते हैं हम वन बाय वन करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि दैट मीन्स इफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट या इफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज पॉसिबल और नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज वन। दैट मींस अगर एक जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो एक सॉल्यूशन होगा, दो जगह करेगा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ तो दो सॉल्यूशन होगा, तीन जगह करेगा तो तीन सॉल्यूशन होगा, चार जगह अगर इंटरसेक्ट करेगा तो चार सॉल्यूशन होगा। इसमें अगर हम देखते हैं तो यह जो ग्राफ है वो कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है आपको 1 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसका यानी नंबर ऑफ जो जीरोज हो जाएंगे फर्स्ट के लिए तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे आपको 1 हो जाएंगे। इसमें देख रहे हैं एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर वह वाई को करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर एक्स को कर रहा है कितने जगह कर रहा है वो दो जगह कर रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे आपको हो जाएंगे आपको 2 हो जाएंगे। इसमें अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ कितने जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ जो जीरोज हो गए इस पॉइंट्स के वो क्या हो गया आपको 3 हो गए। दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज 3। इसमें देख रहे हैं क्या यह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं आप देखेंगे क्या है वाई एक्सिस को, दैट मीन्स वाई एक्सिस से हमको कोई मतलब नहीं, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 0। दैट मीन्स ग्राफ से हम लोग देख के क्या फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, और इसी बेस्ड पे आपको एक्सरसाइज 2.1 है। उससे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब देखेंगे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा
फर्स्ट ग्राफ उसमें जो आप देख रहे हैं वो एक जगह दैट मीन्स आपको सर्कल येलो कलर से किया गया एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो उसके कितने होंगे वन होंगे। सेकेंड में अगर आप देख रहे हैं तो सेकेंड में देखिएगा कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे टू होंगे। थर्ड में आप देख रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं वन टू थ्री थ्री पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या होंगे थ्री जीरो होंगे। फोर्थ में देखेंगे वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वन जीरो होगा। फिफ्थ में देखेंगे वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वन जीरो होगा। इसमें देख रहे हैं आप नंबर ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करेंगे सिक्स में तो वन टू थ्री फोर फोर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितने होंगे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे आपको फोर होंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आप देखेंगे क्वेश्चन आपके अपेयर हो रहा होगा वहां पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ही देख रहे हैं क्या वो एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है लेकिन वो लाइन ग्राफ है दैट मीन्स वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे कोई जीरोज पॉसिबल नहीं है। सेकेंड में एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक जीरोज हो जाएगा। थर्ड में देखेंगे वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे थ्री हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर में आप देखेंगे तो उसपे कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक और दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे दो हो जाएंगे। फिफ्थ और सिक्स आपको खुद से करेंगे और करने के बाद अगर उसके आंसर को आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। यानी हम लोग 2.1 के जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर चुके हैं। 2.1 में ग्राफ से हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं यानी नंबर ऑफ जीरोज को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंड द मेथड्स टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यानी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। हम जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके और उससे रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यानी यह जो बेनिफिट्स है वह नेक्स्ट स्टूडेंट्स को भी क्या हो सके मिल सके। धन्यवाद।